सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रिक्रूटमेंट 2021 का काफ़ी ज़्यादा इंतजार हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिक्रूटमेंट कब तक आएगा और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इस बार का जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, क्या एज क्राइटेरिया में किसी प्रकार की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है जो दोस्तों बिना दौड़ के ही यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आपको यह मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों यहां पर बिना दौड़ आपको केवल हाइट वेट चेस्ट और रिटन और टाइपिंग के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले हर प्रकार के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते, ताकि हमें पता चले कि कौन से राज्य के अभ्यर्थी है जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2021 अपकमिंग आपकी वैकेंसी है। बिल्कुल यहां पर अलग अलग अगर बात करें तो इस बार का रिक्रूटमेंट काफी अच्छा और बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर बात करें तो दोस्तों आपकी जो वैकेंसीज है वो लगभग अभी हाल ही में आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की 10 नई बटालियन बनाई गई है, साथ ही कमांडो बटालियन जो कोबरा है उसकी भी 10 नई बटालियन बनाई गई है। तो इन सभी बटालियन के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कलर की जरूरत है और इन सभी के लिए बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। खास बात यह है कि दोस्तों इस बार का जो रिक्रूटमेंट होगा वो लगभग आपका 1500 से लेकर 1500 के लगभग आपका ये रिक्रूटमेंट होने वाला, जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कलर्क के पदों पर ये रिक्रूटमेंट होगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर आपकी एज है वो 18 साल से लेकर दोस्तों आपकी एज है वो यहां पर 30 साल तक होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों 18 से लेकर 30 साल तक एससी और एसटी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जनरल वाले जो कैंडिडेट है वो 26 साल तक अप्लाई कर पाएंगे 18 से लेकर। उसके अलावा दोस्तों ओबीसी वाले कैंडिडेट है वो 28 साल तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अलग अलग अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके 12वीं पास रखी गई है। बिल्कुल दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 12वीं पास और 12वीं पास वाले सभी कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है और फिजिकल में दोस्तों आपके रनिंग नहीं होके केवल हाइट वेट और चेस्ट ही होता है, और हाइट वेट चेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उन सभी का रिटन एग्जाम करवाया जाता है, और रिटन एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उन सभी का स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल के बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है जो कि फाइनल मेरिट के बेसिस पर रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग इस बार की जो वैकेंसी है वो लगभग 875 प्लस आपकी रिक्रूटमेंट आने के चांसेज है। बिल्कुल दोस्तों अगर 875 के पदों पर ही आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, वैकेंसी आपके और भी बढ़ सकती है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, और अलग अलग आप वैकेंसी भी यहां पर देख सकते हो। जनरल की 400 वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख लीजिएगा जो आपके ओबीसी की वैकेंसी है वो लगभग 250 के लगभग वैकेंसी है, 250 के लगभग वैकेंसी है। 100 एससी की है, एसटी की 115 वैकेंसी है, ईएसएम की 70 वैकेंसी है। दोस्तों आपका जो अप्लाई का मोड होगा वो ऑनलाइन रखा गया है, साथ ही अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसका कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ता। बिल्कुल दोस्तों 18 से लेकर 25 साल है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, जबकि ओएससी एसटी को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की आयु में छूट दी जाने वाली। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, हाइट में काफी ज्यादा छूट आपको मिलने वाली है। ऑल मेल कैंडिडेट की हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो भी वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है तो भी वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट है और अगर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से फीमेल कैंडिडेट है और अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। दोस्तों चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपको चेस्ट में छूट दी जाएगी। आपका चेस्ट अगर 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर है तो भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों इसके रिटर्न में क्या क्या सिलेबस
सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक वाइज आप पूरा देख पाएंगे, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका हेड कॉन्स्टेबल, डायरेक्टली हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पद पर आपका सिलेक्शन होने का सपना है वो आपका पूरा हो जाए। तो दोस्तों पूरी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहती है। साथ ही कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म आपको डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए और आगे आने वाले सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।